हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर एन जी के हब। आज हम देखने वाले हैं प्रयास पुस्तिका कक्षा 6-7-8 के लिए प्रोजेक्ट 4, जो कि गणित से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान का, संस्कृत का देखा था बच्चों। आज हम गणित का वीडियो देखेंगे। प्रोजेक्ट 4 अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा गणित पे आधारित है और इसमें वृत्ताकार के बारे में बताया गया है। जैसा कि लिखा है, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। जानकारी के आधार पर नीचे गई तालिका को पूर्ण कीजिए। मतलब आप वृत्ताकार सामग्री जानते होंगे, जैसे मम्मी की चूड़ी, थाली, प्लेट, साइकिल का पहिया, गिलास, ऊपर से जो भी चीज़ मतलब गोल होती है उसको अपन वृत्ताकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसकी परिधि व्यास और परिधि व्यास के बारे में जानेंगे। सामग्री में क्या है? थाली। थाली की परिधि कितनी है, व्यास कितना है और परिधि व्यास कितना है, इसके बारे में आज आपको समझाऊंगी। प्लेट है, साइकिल का पहिया है, टंकी का ढक्कन है, इन सब की अपन तालिका बना के इनकी परिधि व्यास और परिधि व्यास निकालेंगे। तो चलिए आइए अपन आगे देखते हैं बच्चों। पर हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आगे के सारे प्रोजेक्ट का आप सबसे पहले देख पाएँ। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए तो आज मैं आपको बताती हूँ परिधि व्यास और परिधि व्यास। तो पहले अपन एक गोल चित्र बनाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। ये अपन ने एक गोला बनाया है, ये माना कि अभी थाली है, थाली की परिधि, ये गोल जो है उसकी परिधि है। तो परिधि कितनी है, 110 सेंटीमीटर। तो वो अपन कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले अपन बीचों बीच एक बिंदु रखेंगे जो कि वृत्त का केंद्र होगा, उसको अपन केंद्र बोलेंगे। और वृत्त केंद्र से परिधि तक की दूरी को अपन त्रिज्या बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताया है कि परिधि से केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब अपन देखेंगे व्यास। अगर वृत्त के पूरा आधा भाग कर दिया जाए तो उसको अपन वृत्त का व्यास बोलेंगे। ये हो गया आपका व्यास। अब इसके चारों ओर क्या है, परिधि। तो ये परिधि हो गई, इसको अपन परिधि बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी समझ में आ गया होगा, केंद्र बिंदु, त्रिज्या, व्यास, परिधि, चार चीज़ों के आधार पे अपन ये निकालेंगे। त्रिज्या बराबर कितना होता है, आर होता है त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर से परिभाषित करते हैं। चलिए आइए अपन इसका सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो अपन व्यास कितना है यहाँ पे,
2R, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 35 सेंटीमीटर 2R की जगह पे, और 35 × 22/7 22/7। अब अपन इनका 7 × 5 = 7 और 7 × 5 = 35 और 22 × 5 का गुणा करेंगे तो आपकी परिधि निकल जाएगी 110 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। ये देखिए आप परिधि आ गई 110 सेंटीमीटर। अब अपन निकालेंगे परिधि व्यास। अभी तक अपन ने क्या निकाला? परिधि। इस थाली की परिधि 110 सेंटीमीटर है। अब अपन व्यास और परिधि के द्वारा परिधि व्यास निकालेंगे। एक सौ दस बटा पैंतीस। 110 क्या है? परिधि। और व्यास कितना है? 35। इसको अपन ने काट दिया 5 से। 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10 22/7 आ गया। 7 का अपन ने भाग दिया तो 7 × 21, 2 में से 1 गया 1 बचा, भाग टूटी बिंदी की 0, और 7 × 7, 10 में से 7 गए 3 बचे, और 7 × 7 = 28। इस तरह आपका आ गया 3.14 सेंटीमीटर परिधि व्यास। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि परिधि कैसे निकाली जाती है, व्यास कैसे निकाला जाता है और परिधि व्यास कैसे निकाला जाता है। अब चलिए अपन आगे देखते हैं। प्लेट का 66 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, और परिधि व्यास दोनों का अपन ने 66/21 करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे तो आएगा 3.14 सेंटीमीटर। इसी तरह साइकिल का, इसी तरह टंकी के ढक्कन का, रोटी का, चूड़ी का, बाल्टी का ऊपरी भाग का, सब वस्तुओं का अपन ने यहाँ पे इसी तरीके से निकाल लिया है। बेलन का, बेलन का सबसे अधिक है 242 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है? 77 सेंटीमीटर। लेकिन परिधि व्यास सबका वही निकला 3.14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है, उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? इतनी सामग्री दी है, इसमें सबसे अधिक परिधि किसकी है? तो आप लिखेंगे बेलन की परिधि सबसे अधिक है। और प्रश्न नंबर 2 है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है? तो बेलन का व्यास सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे बेलन की परिधि 242 सेंटीमीटर, उसका व्यास भी 77 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक बेलन की परिधि और बेलन का व्यास। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, सही उत्तर की परिधि, उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि के मान से उत्तर 2 वाली सामग्री के मान के माप का अनुरूप निकालिए। ठीक है, कितना है मतलब? सामग्री प्रश्न नंबर, उत्तर 1 से 2 का अनुपात कितना अधिक है ये अपन को देखना है। तो आप लिखेंगे उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि और उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान
में अनुपात 242:77 बराबर 22:7 है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। सभी 5 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुरूप का औसत हल कीजिए। अपन को सबका औसत निकालना है, कितनी सामग्री है 8, तो आप औसत का लिखेंगे, औसत बराबर सामग्री के अनुपात और उनका योग बटा सामग्री की संख्या, ये आपका सूत्र आएगा यहाँ पे। औसत बराबर सामग्री के अनुपात उनका योग बटा सामग्री की संख्या, तो सामग्री के अनुपात कितना है 3.14 और सामग्री की संख्या कितनी है 8, तो अपन ने सबका यहाँ पे लिख लिया। अब इनको अपन काउंट कर लेंगे, 3.14 का 8 बार काउंट करके और 8 से उसका भाग देंगे तब भी 3.14 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब पांचवा प्रश्न देखिए। अब पांचवे प्रश्न में परिधि का व्यास 3.14 सेंटीमीटर है, तब भी यही आया। औसत में 3.14 है, तब भी यही आया। अब अपन परिधि का व्यास निकालेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr और पाई का मान कितना है? 22/7, तो कितना निकलेगा? 3.14 माना जाता है। कितना माना जाता है? 3.14। इस तरीके से आपके 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आगे देखते हैं अभी अपन, आप अच्छे से कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बोलने से ज़्यादा जल्दी तुम लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा रुक गई हूँ। आप अच्छे से उतार लीजिए समझ के। ये मैंने आपको औसत वाला सवाल करके दिखा रही हूँ। 3.14 × 8 कर दिया तो इसका भी मान वही निकला, 3.14 सेंटीमीटर। जो वही है वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr और 2πr का मान है 22/7। अब 7 का अपन ने 22 में भाग दिया तो वही आया 3.14, तो आप लिख सकते हैं 3.14 माना जाता है। उसमें पूछा है ना कितना माना जाता है, तो आप लिखिए 3.14 माना जाता है। चलिए ठीक है, आपका ये प्रोजेक्ट कार्ड पूरा होता है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।